हाय, दिस इज नरेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं, गणित में एक नया टॉपिक है, अनुपात। बहुत ही सरल टॉपिक है, सबको समझ में आएगा। देखिए, अनुपात इंग्लिश में हम लोग इसको रेशियो कहते हैं, और इसका सिंबल होता है ये दो बिंदु। ठीक है, तो देखिए, अनुपात की हमें आवश्यकता पड़ी क्यों? बेसिकली हमें जब किसी दो चीज़ों की तुलना करनी होगी तब हमें जरूरत पड़ेगी अनुपात की। तो देखिए, मान लीजिए कि जैसे तुलना करनी है, जैसे मेरा भाई, मेरी उम्र 10 साल है और मेरे भाई की उम्र 14 साल है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरी उम्र 10 साल है और मेरे भाई की उम्र 14 साल है, ठीक है, तो तुलना कर देंगे तो मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए मुझे 50 रुपये मिले और मेरे भाई को मिले 30 रुपये, तो आया 20। तो ये हमने तुलना कर ली। लेकिन जब जब संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, जब संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, तो इस तरह तुलना करना बहुत कठिन हो जाएगा। जब लाखों में हो जाएगी, चलिए देखिए, अगर लाखों में हो जाएगी तो कितना दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये हुआ, और ये मान लीजिए ये है, ऐसे एक जीरो और बढ़ा ले, जीरो। जब इनको इनकी तुलना की जाएगी घटा के, तो आएगा आपका ये ऐसे 3, 5, 5, 0, ठीक, इतना आया। ठीक है, तब हमें कठिनाई पड़ जाएगी तुलना करने में। तो हमें इस समस्या से बचने के लिए हमने निकाला एक समाधान। ये समाधान निकाला कि हम लोग भाग का यूज करेंगे और तुलना जब करेंगे इससे, तो देखिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, 5 है ये 3 है, 0 से 1 कट दे तो आ जाएगा 1/3। तो ये भाग विधि के द्वारा तुलना करना आसान हो गया। ठीक है, देखिए, जब हम तुलना करेंगे भाग सिस्टम से, तब हम कहते हैं उसको अनुपात। जब भी तुलना हम भाग विधि के सिस्टम से करेंगे, जैसे हमने यहाँ भाग वाला अनुपात दिया है, भाग के सिस्टम से किया है, इसलिए हम कहेंगे इसको अनुपात। देखिए, हमने लिखा भाग द्वारा तुलना किया जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं अनुपात। चलिए देखिए, कुछ चीजें मैंने लिख रखी हैं, आपको पढ़वा देता हूँ। दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त दो समान राशियों कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। इसका चिन्ह होता है जी। ठीक है, दो राशियों को कितने गुना के रूप में लिखना है। जैसे उम्र वाला ही ले लेते हैं, जैसे मेरी उम्र है 10 साल और मेरे बड़े भाई की उम्र है 20 साल, तो राशि हो गई आयु, वर्ष हो गई। और जब हमें तुलना करने की बात आएगी तो क्या होगा कि मेरा भाई मुझसे 2 गुना बड़ा है। ठीक है, इस तरह होगा। अब देखिए, अनुपात दो संख्याओं भाग द्वारा तुलना है, भाग द्वारा तुलना है, देख लीजिए अनुपात। एक संख्या दूसरे के कितने गुना है, अभी मैंने बताया, जैसे ये है तो इसमें एक संख्या दूसरे के 3 गुना हो गई। अथवा उसका कौन सा भाग है, ये भी कह सकते हैं कि कौन सा भाग है। ओके, चलिए इसको जैसे मान लीजिए इसी को लिखना है, तो हम इसको लिख देंगे 1/3। तो इसमें दो पद होंगे, इधर वाले को हम लोग कहते हैं प्रथम पद और इधर वाले को द्वितीय पद। देखिए, मैंने यहाँ दिखाया है प्रथम पद द्वितीय पद, इसको पहले आता है, पहले जो चीज आती है उसे कहते हैं पूर्व, जो चीज बाद में आती है उसे कहते हैं उत्तर। तो देखिए, उत्तर या द्वितीय पद कहते हैं इसको, कहते हैं पूर्व पद। अब ठीक है, दो राशियों की तुलना तभी हो सकती है जब दोनों राशियां एक ही इकाई में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए, हाँ, यहाँ पे यहाँ 2 किलोग्राम है और यहाँ 500 ग्राम है। ठीक है, इनको आप अनुपात में तभी लिख सकते हैं जब इन, या तो इनको ग्राम में बदल दिए, सॉरी 1 ग्राम। ठीक है, ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, इनको आप तुलना तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम में हो। अगर आप इसको ग्राम में कर लीजिए या तो आप इसको किलोग्राम में, तभी कर लीजिए दोनों की राशियां सेम हो। जैसे मैं 1 साल समझ ले 10 साल 12 11 महीने का हूँ और मेरा भाई है मुझसे 13 साल बड़ा, तो तुलना तभी होगी जब या तो मैं टोटल महीना कर लूँ अपनी उम्र का, या तो भाई दोनों को कर लूँ, या तो जो मेरे महीने हैं इनको भी मैं साल में कन्वर्ट कर लूँ, तब तुलना होगी, वैसे नहीं होगी। रुपये में भी देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास 200 पैसे हैं और मेरे भाई के पास 500 रुपए हैं, तो तुलना तभी होगी जब दोनों सेम होंगे, या तो मैं इसको पैसे में बदल लूं या तो इसको मैं रुपए में बदल लूं, तभी तुलना होगी।
तो 200 पैसे को आप बदल लीजिए, 2 रुपए हो जाएगा और ये हो जाएगा 500 रुपए। तो तुलना कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा, 2:500 और ये 2/500 कर सकते हैं हम। काटेंगे तो आया कितना, ना भी काटिए, चलिए काटा है तो काट ही दीजिए, 2 से भाग करने वाला आधा इतना आएगा, 1:250। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब तुलना तभी होगी जब दोनों राशियां सेम होगी, हमें बदलना पड़ेगा आवश्यकता हिसाब से, किलो ये सारी चीज, लीटर हो तो किलो लीटर, ये सारी चीजें, किलो मीटर हो तो मीटर हो, ये बेसिक चीज है। आप तुलना तभी कर सकते हैं जब दोनों राशियां सेम हो, कन्वर्ट करना एक सबसे अच्छी चीज है, आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए अब देख लीजिए चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, यदि एक पद शून्य हो, यदि एक पद शून्य हो तो तुलना संभव नहीं है। जैसे देखिए 0:5, तो इसको क्या हो जाएगा, 0/5। किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो इसीलिए तुलना नहीं हो सकती। एक देखिए मान लीजिए 5:0 हुआ तो आ जाएगा 5/0, जब भाग करोगे तो आएगा अनंत, जब ये अनंत है, 00 नहीं है तो अनंत हो जाएगा। तो इसलिए जो है, यदि एक पद शून्य होगा तो फिर आपका तुलना करना संभव नहीं होगा। ओके, चलिए आ जाइए यहाँ पे, वही चीज देखिए मैंने, अनुपात का व्यक्तिक्रम क्या होता है, अनुपात का व्यक्तिक्रम का समझ लीजिए उल्टा। ठीक है, उल्टा व्यक्तिक्रम का मतलब उल्टा, जैसे 5:3 है और ये हो जाएगा 3:5, इसको कह सकते हैं 5/3 और ये 3/5, उल्टा हुआ, जो अंश में था हर में कर दिया, जो हर में था अंश में कर दिया। चलिए अब आ जाता है एक टाइप का क्वेश्चन, आता है सरल करना। जैसे देख लीजिए 36/24 है, ठीक है, तो आप इसको सरल करने के बोला सबसे छोटे रूप में लिखना है, चाहिए तो 2 से 2 से काटते जाइए। जैसे 12 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो मैं 12 36 कर सकता था, 12 2 24 कर सकता था, भाग करके तो 3/2 आता, चाहे तो काटते जाइए, चाहे इसको और भी यहाँ से कर सकते थे 18/12। ठीक है, तो इसी तरह आ जाता है 9/6। ठीक है, देखिए एक चीज अब बता रहा हूं तो ये बता, देखिए ये सब बराबर है, ये सारे बराबर है कि इनका इनका अनुपात जो है सेम है। जब आप छोटा करेंगे, सरल करेंगे, कहने का मतलब है 36/24 और 3/2 बराबर है, क्योंकि इनका अनुपात बराबर, जब आप इसको सरल करोगे तो आप ये हो जाएगा सरल। अब देखिए कभी कभी होता है 3/2 को बड़ा करने, जैसे इसमें 12 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 12 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया, फिर वही आ गया 36/24। तो कभी कभी होता है तुलना की जाती है इनसे, तो अगर आप मान लीजिए 2/3 है, इन दोनों में चाहे 8 8 ऊपर गुणा कर दीजिए, ठीक है, और 8 2 16 और 3 24, तो ये भी 2/3 के ही बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इनका अनुपात सदैव सेम रहेगा। तो एक ये बात हो गई, अगली बात देख लीजिए, 2 अनुपातों की तुलना की बात कर लेते हैं, 2 अनुपातों की तुलना की बात कर लेते हैं। जैसे 2:3 है, तो चलिए इधर ही कर लेते हैं, इसको साफ करके, चलिए इसको जरा अच्छा साफ कर लिया जाए। चलिए ये है 2:3 और 5:8, तो इसको लिख सकते हो 2/3 और 5/8। देखिए इसमें बताना है आपको बड़ा कौन सा है, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इन लोगों का एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम लेने का तरीका क्या है, अभी मैंने पूरा पढ़ा है एलसीएम का, पूरा चैप्टर ही शुरू किया है। एक चीज में देख लीजिए, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो इन दोनों में आए, दोनों आए किसी पहाड़ में, तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए, तो आएगा आपका 8 × 3 = 24। तो ठीक है, 2/3 है यहाँ और यहाँ है 5/8। ठीक है, तो यहाँ 24 बनाने के लिए आप किससे गुणा करेंगे, 8 से, तो ऊपर भी 8 से कर लीजिए। यहाँ 24 बनाने के लिए किससे करेंगे, 3 से, तो ऊपर 3 से कर लीजिए, तो हो जाएगा ऊपर 8 2 16 और यहाँ हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका ये भी 24।
तो देखिए ये 16 है, ये 15 है, नीचे आपके हर जो है बराबर है, तो आसानी से 16 बड़ा है तो बड़े की तरफ ये निशान लगता है, तो 24 और ये हो जाएगा 24, फिर वापस आ जाएगा, यानी 2/3 जो है बड़ा है 5/8 से। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तरीका और है दशमलव विधि द्वारा, आप भाग कर लीजिए, भाग करेंगे, अगर आप भाग करके निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकल सकता है, जैसे देख लीजिए ये आगे काम आएगा जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, जैसे 2/3 है और ये ऐसे, और ये चीज आप तभी कर पाएंगे जो बहुत एडवांस होंगे, जब आप भाग करेंगे इसका तो 6 बार जाएगा तो 0.66 आएगा, इसका करेंगे तो 8 × 45 और 8 × 8, तो लगभग कितना है ये बड़ा हो, तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात की बात है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, हमने कोशिश की है खत्म करने की, ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे, इसके बाद हम लोग का समानुपात आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।